हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपने साइटेक विजन यूट्यूब हिंदी चैनल। मैं हूं संजय, स्वागत करता हूं आप सभी का। दोस्तों हम लोग सीख रहे हैं कोरल ड्रा X8 और हम लोगों का चल रहा है बेसिक सीरीज। और आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे क्रॉप टूल के बारे में। क्रॉप टूल के साथ ही साथ उसके फ्लाई आउट के अंदर मौजूद जितने भी टूल्स हैं उन सभी के बारे में भी हम लोग जानेंगे। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण टूल है। आप इन सभी टूल को समझने के लिए आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। और स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर मास्टर बनने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब होते ही बेल आइकन पर क्लिक करना भूले, जिससे क्या होगा कि हमारी हर नई वीडियो की अपलोडिंग इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहेगी। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं कोरल ड्रा पे और समझते हैं इन टूल्स के बारे में। तो दोस्तों ये है कोरल ड्रा X8 और यहां पर आप देख सकते हैं ये है क्रॉप टूल। और इसी के अगर ट्रायंगल पर अगर हम क्लिक करते हैं तो यहां पर मिलते हैं आपको इसके फ्लाई आउट में कुछ मौजूद टूल, जो सेकेंड नंबर पर है नाइफ टूल और दूसरा विजुअल सेगमेंट डिलीट टूल और उसके बाद जो है इरेजर टूल। तो इन सभी टूल के बारे में इस वीडियो के अंदर हम समझेंगे। तो चलिए देखते हैं इसको समझने के लिए जो है हम सबसे पहले एक रेक्टेंगल ड्रॉ करते हैं, एक ही नहीं कई सारे ड्रॉ करते हैं ताकि सभी पर हम बारी बारी से इसका फर्क हम समझ सकें। तो सबसे पहले जो है हम क्रॉप के बारे में समझते हैं और इससे पहले जो है हम एक इमेज ओपन कर लेते हैं। तो फर्स्ट में जो क्रॉप होता है, क्रॉप एक्चुअली अनवांटेड हिस्सों को हटाने के लिए होता है। जैसे कोई इमेज है या कोई भी ऑब्जेक्ट, उसका कुछ हिस्सा ऐसा है जिनकी हमें रिक्वायरमेंट है और बाकी हिस्सों की जरूरत नहीं है, तो उन हिस्सों को खत्म करने के लिए जो है हम इसे यूज करते हैं। जैसे अगर हम इमेज की बात करें तो हमें सिर्फ इतना ही इमेज चाहिए जितने की इमेज है, बाकी का बैकग्राउंड हमको नहीं चाहिए। तो उसके लिए हम इतना हिस्सा लेने के लिए हम क्या करेंगे, जहां से हमको चाहिए वहां से माउस पॉइंटर को रखते हुए लेफ्ट बटन को क्लिक करके हम इस तरीके से ड्रैग करेंगे, जितना हमें चाहिए उतना पर ला करके छोड़ देंगे। और उसके बाद जो है हम इंटर की प्रेस करेंगे, उतना वो कट जाएगा और उतना हिस्सा आपको मिल जाएगा। इस तरीके से आप देख सकते हैं ये जो है इमेज उतना मिला, लेकिन फर्क इतना है कि उसके साथ में जितने भी इमेज या जितनी भी फाइलें होंगी वो भी खत्म हो जाएंगी। तो इस तरीके से आप यूज कर सकते हैं। हम कंट्रोल जेड करते हैं और ये जो है किसी भी ऑब्जेक्ट में भी आप जो है इसको यूज कर सकते हैं। तो क्रॉप का जो है सिर्फ इतना ही यूज है। उसके बाद इसके अंदर जो है नाइफ टूल है, इसका बहुत ही ज्यादा इस्तेमाल होता है। वो किस लिए, उसके बारे में हम देखते हैं। एक्चुअली कोई भी ऑब्जेक्ट अगर हमको कट करना है, काटना है, तो उसके लिए जो है हम इसे यूज करते हैं। जैसे इस ऑब्जेक्ट का हमें कोना काटना है या फिर दो भाग में बांटना है तो हम इसको यूज करेंगे। जैसे इसको यूज करने के लिए सिंपली आपको क्या करना है, यहां पर आपने क्लिक किया और इस तरीके से ड्रैग करते हुए लास्ट में जो लाइन होगा उस लाइन को पकड़े हुए ऑब्जेक्ट बिल्कुल कट जाएगा। सेलेक्ट नहीं था, ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट रखना होगा। तो अब देखते हैं, अगर ये आप देख सकते हैं ये बिल्कुल ऑब्जेक्ट जो है कट चुका है इस तरीके से। तो इस तरीके से जो है आप किसी भी तरह से काट सकते हैं। इस तरीके से अगर सीधा काटना है तो इस तरीके से आप लेकर के आएंगे लाइन को, बिल्कुल भी छोड़ देंगे। और उसके बाद जब आप इसे अलग डिसेलेक्ट करके फिर जब सेलेक्ट करेंगे तो दोनों पार्ट अलग अलग सेलेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से जो है आप यूज़ कर सकते हैं। कंट्रोल जेड करते हैं, एक करते हैं और उसके बाद इसी को सेलेक्ट रखते हुए इसके अंदर कुछ प्रॉपर्टी है जिसको आप ध्यान देंगे। तो ये है, इसके अंदर अगर आप जाते हैं तो ये है गैप। अगर गैप पर अगर आप क्लिक करते हैं तो गैप पर क्लिक रखते हुए यहाँ पर अगर आप कुछ नंबर्स कुछ mm दे देंगे, जैसे चूंकि ये mm में है तो जब आप कट करेंगे इस तरीके से तो बीच में कुछ गैप बनेगा। वो गैप जो है आप यहां से सेट कर सकते हैं इस तरीके से। तो ये गैपिंग भी आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं जितना आपको चाहिए। तो ये ऑब्जेक्ट को एक्चुअली काटने के लिए ही ये इस्तेमाल होता है। और उसके बाद इसी के प्रॉपर्टी में अगला जो है ऑप्शन वो है फ्री हैंड मोड। फ्री हैंड को जब आप क्लिक करेंगे तो आपको बिल्कुल फ्री हैंड किसी भी ऑब्जेक्ट को कट करने के लिए आपको परमिशन मिलती है। जैसे हम यहाँ पर गैप को नन कर देते हैं, उसके बाद हम देखते हैं। तो आप यहाँ से स्टार्ट करके इस तरीके से बिल्कुल फ्री हैंड जैसे मर्जी वैसे आप जो है इसको कट कर सकते हैं। इस तरीके से आपने किया और उसके बाद डिसेलेक्ट करके जब सेलेक्ट करेंगे तो दोनों ऑब्जेक्ट बिल्कुल अलग अलग हो जाएंगे इस तरीके से। तो इस तरीके से इसका यूज़ है। और उसके बाद जो है इसके अंदर गैपिंग वगैरह बिल्कुल वही सेम चीज़ है, बिल्कुल वैसे ही काम करेगा, गैप बीच में आएगा। और उसके बाद प्रॉपर्टी में जो है ये बेजियर मोड, इसका भी बहुत यूज होता है। इसको यूज करने के लिए जस्ट आप
इस तरीके से, और उसके बाद जो है ये बिल्कुल अलग अलग सेलेक्ट हो जाएगा, और ये आप देख सकते हैं कटा हुआ पार्ट बिल्कुल अलग हो गया। तो इस तरीके से अगर राउंडिंग वगैरह है आपके कटिंग में तो आप जो है बेजियर टूल का यूज़ कर सकते हैं इस तरीके से। बाकी आगे की जो प्रॉपर्टी है वो बिल्कुल सेम है। तो दोस्तों ये थे नाइफ टूल के यूज़, और उसके बाद जो है आप ये देख सकते हैं विजुअल सेगमेंट डिलीट। तो ये जो है बिल्कुल सिंपल, जैसे मान लीजिए हमने किसी भी टूल के माध्यम से हम इसमें से जो है कुछ पार्ट को कटिंग करते हैं, इस तरीके से हमने कट किया, और इसमें से भी अगर हम कट करना चाहें तो इस तरीके से आपने इसे भी कट किया। तो विजुअल सेगमेंट डिलीट में क्या होता है कि जो चीज़ें विजुअल हैं उसको ये डिलीट करता है। जैसे मान लीजिए हमें ये नहीं चाहिए था, तो इसके बारे में एक्चुअली हम अगले अध्याय में किसी अध्याय में सही यूज़ इसका समझेंगे कि किस वक्त किस जगह यूज़ आता है। तो एक्चुअली इस वीडियो में हम सिर्फ इस टूल के वर्क को समझ पाते हैं। तो जैसे मान लीजिए ये हमें नहीं चाहिए, तो हम यहाँ से इस तरीके से ड्रैग करेंगे तो ये जो है डिलीट हो जाएगा। ये हमको नहीं चाहिए तो इसे भी हम डिलीट कर सकते हैं, इसको डिलीट कर सकते हैं, इस तरीके से हम बिल्कुल इसको अलग अलग डिलीट कर सकते हैं, इस तरीके से हम डिलीट कर सकते हैं, या फिर आप जो है जैसे आपने नाइफ टूल से इसको अलग अलग इस तरीके से आपने कट किया, और उसके बाद जो है विजुअल सेगमेंट से आप इस तरीके से आप जो है डिलीट कर सकते हैं, जो जो बीच में कट लगा हुआ है वो अलग 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 जो है इससे ये डिलीट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप जो है डिलीट कर सकते हैं। और उसके बाद जो ऑप्शन है वो है इसी के फ्लाई आउट में इरेजर। इरेजर क्या करता है, इरेजर जैसे ही आप सेलेक्ट करेंगे तो यहां पर ये आ जाएगा, और इरेजर के निब के साइज को जो है आप यहां से छोटा बड़ा कर सकते हैं। आप इससे इसको इस तरीके से डाउन करेंगे इसका एमएम, तो ये छोटा होता चला जाएगा, और ये जो है ऑब्जेक्ट किसी भी ऑब्जेक्ट को सेंटर से या जैसे भी आप चाहें वो इरेज करने का काम करता है। तो इसका बिल्कुल सिंपली यूज है, आप यहां से इसका शेप ले सकते हैं। अगर सर्कल में चाहिए राउंड निब में तो आप ये राउंड निब ले सकते हैं, या फिर स्क्वायर में चाहिए तो आप ये स्क्वायर में ले सकते हैं। तो राउंड में अगर हम देखते हैं तो इसको अगर मान लीजिए यहां से इरेज करना बिल्कुल सेंटर से, तो कैसे करना होगा, आप बाहर में एक बार क्लिक करके माउस पॉइंटर को छोड़ेंगे और इस तरीके से आएंगे, और क्रस में आप इस तरह से जब आप क्लिक कर देंगे तो इस तरीके से ये जो है बीच से इरेज हो जाएगा। लेकिन ये दोनों ऑब्जेक्ट अलग अलग नहीं होगा, ये दोनों ऑब्जेक्ट एक ही होगा, एक ही बार में ये सिलेक्ट होगा। और उसके बाद जो है दोबारा से इसके अंदर अगर आप बाहर से ला करके ये बीच में छोड़ते हैं तो इस तरीके से जो है ये इरेज करेगा। इस टाइप की भी हमें बहुत ज़्यादा जगह ज़रूरत पड़ती है, जिसे हम आगे यूज़ करेंगे और समझेंगे कि हमें कहाँ इसकी ज़रूरत पड़ती है। तो इस तरीके से जो है आप इसको यूज़ कर पाएंगे, इरेजर को इस तरीके से बीच में किसी भी शेप में थोड़ा सा अगर आपको करना है, या फिर जो है इस तरीके से इरेज करना चाहते हैं, इस तरीके से इरेज करना चाहते हैं, इसका साइज़ वगैरह मेंटेन करके आप जो है इसको इरेज कर सकते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों क्राफ्ट टूल और उससे उसके फ्लाई आउट में मौजूद टूल को यूज़ करते हैं। और दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि ये सभी टूल्स आपको समझ में आए होंगे, और ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ आप कमेंट में बताएं। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो दोस्तों इस वीडियो में अभी तक इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके अगले भाग में। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।